हेलो फ्रेंड्स, मैं नीति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ माँ अन्नपूर्णा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हेल्दी एंड टेस्टी हलवा। तो चलिए आज हम बनाते हैं। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो उसके लिए मैंने 1.25 किलो लौकी ली है। आप इसको चाहे 1.25 किलो में एक ले लें या दो ले लें, आपकी मर्जी, जैसे भी आपको अवेलेबल हो। तो मैंने ये 1.25 किलो लौकी ली है। अब सबसे पहले मैंने इसको धोकर साफ करके अब हम इसको छीलेंगे। ये मैंने इसको छील लिया है और अब हम इसको दोनों साइड से कट करेंगे इस तरीके से। अब क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा है तो हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बीच में से भी कट करेंगे इस तरीके से। हमने बीच में से भी कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका बीच वाला पार्ट है जिसमें बीज होते हैं, ये हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से। ये हमें इसका बीच वाला पार्ट निकालना है सारी लौकी को। देखिए, मैंने इसका सारा जो बीच का पार्ट था वो निकाल लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस हमें बारीक नहीं करना है, इसको जो मोटा वाला कद्दूकस होता है उससे हम इसको कद्दूकस करेंगे। मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया। अब हम इसका पानी निकालेंगे। आप चाहें तो इसको एक कपड़े में डाल के और उसको टाइट से बंद कर भींचेंगे तो उससे आपका सारा पानी निकल जाएगा। यहाँ आप इसको हाथ से भी इस तरीके से लेकर अच्छे से दबाएंगे तो भी लौकी का पानी आराम से निकल जाएगा। और इस तरीके से हम सारी ही लौकी का पानी निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, उसको गरम करेंगे और हम साथ में जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, मैंने इसमें काजू और किशमिश डाली है, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे, गरम करेंगे इसको और अब हम इसमें जो हमने लौकी कद्दूकस की थी ना वो डाल देंगे इस तरीके से। और हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। साथ में मैंने इधर मैंने लिया 1 लीटर दूध, उसको मैंने बॉईल किया और स्लो फ्लेम पर उस दूध को भूनते मतलब बॉईल करते करते आधा कर लिया है। अभी थोड़ी देर में ये हाफ हो जाएगा। 1 लीटर का मेरे को ये आधा लीटर करना है। धीरे धीरे इसको बॉईल होने दीजिए। इधर हम लौकी को अच्छे से भूनेंगे। ये हमें 4-5 मिनट इस तरीके से चलाना है और फिर हम इसको ये अच्छे से गल जाए इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी लौकी पकी गई है लगभग। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे आप, जितना आपको मीठा अगर कम करना है तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कम ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डलेगी। मैंने इसमें 150 ग्राम शुगर ऐड करी है। जैसे हमने इसमें चीनी डाली
पुदीने डालने के बाद ये पानी छोड़ देती है, तो हमें इसका पानी थोड़ा सा सुखाना है, तो हम इसको चलाते रहेंगे और इसके पानी को हम सुखा देंगे। देखिए इसकी मैंने सारी जो शुगर थी वो पिघल भी गई और ख़त्म भी हो गई, मतलब ये सूख भी गई, ऑब्जर्व हो गई इसके अंदर ही। मैं इसको इतना पकाया, अब हम इसमें जो दूध था हाफ के जी, जो मैंने 1 kg लिया था, उसको मैंने बॉइल करके, जो मैंने 1 liter लिया था मिल्क, वो मैंने 1/2 liter करा, और अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और हम इसको चलाते जाएंगे, देखिए हम इसको चलाते जाएंगे और ये हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 spoon इलायची पाउडर और हम इसमें ऐड कर देंगे 1 वो डालेंगे आप पिंच फूड कलर, ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें। वैसे मैं अगर अपने लिए बनाती स्पेशली तो मैं नहीं डालती, लेकिन मैं ये स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको ये देखने में अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका, बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही हेल्दी है। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इसका व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखिए फिर चलाते जाएंगे और अब हम इसमें अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम इसमें 1/2 tablespoon घी ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से शाइन भी आ जाए, क्योंकि तब हमने पकाया था तो इसका जो कलर है वो चला गया था, क्योंकि लौकी का मोस्ट ऑफ पकाने के बाद कलर चला ही जाता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन अब हमने फूड कलर से इसका कलर वापस कर लिया है। ये देखिए अब हम इसको बाउल में डालें, ये देखिए मैंने बाउल में हलवा निकाल लिया है, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हलवा तैयार हो गया है। ये व्रत में स्पेशली भी बनाया जाता है और आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।